अमिता किचन में आपका वेलकम करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चावल के पापड़, जो बहुत ही क्रिस्पी होता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर ये हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। होली आने वाला है, होली में हम बहुत सारे डिशेज बनाते हैं, बहुत सारे पापड़, चिप्स, नमकीन, मिठाइयाँ, गुजिया, बहुत सारे डिश बनाते हैं। आज हम चावल का पापड़ बनाने जा रहे हैं, वो भी बहुत ही आसानी से कुकर में। इसके लिए हमने एक कटोरा चावल लिया है, ये देखिए, इसे हम एक बड़े कटोरे में डालेंगे और इसे हम धुल लेंगे अच्छे से और एक घंटे के लिए इसे हम पानी में डाल के छोड़ देंगे, जिससे चावल थोड़ा फूल जाए। चावल को हमने धुल लिया है 3-4 बार अच्छे से और इसे हमने पानी में भिगा दिया है, ये देखिए। पापड़ बनाने के लिए आप कोई भी चावल यूज कर सकते हैं। अब हम इसे रख देंगे एक घंटे के लिए। एक घंटा हो गया है और चावल हमारा अच्छे से फूल गया है, हमने इसके पानी निकाल दिए हैं। अब हमने कुकर लिया है, कुकर में हम चावल डालेंगे। और जिस कटोरे से हमने एक कटोरा चावल लिया था उसी से हम 4 कटोरा पानी डालेंगे। एक कटोरा, दो, तीन, 4। अब हम इसमें खाने वाला ये मीठा सोडा डालेंगे 1/4 चम्मच और हम 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 नमक डालेंगे, 1 चम्मच हम रिफाइन ऑयल डालेंगे। अब हम इसे थोड़ा मिला देंगे और कुकर को बंद करके इसे गैस पे रख के 2 सीटी लगा लेंगे। हमने इसे गैस पे रख दिया है, अब हम 2 सीटी आने देंगे, फिर हम इसे उतार लेंगे। हमारा 1 सीटी आ गया है, अब हम गैस को कम करके 1 सीटी और लगा लेंगे और हम उसके स्टीम निकालेंगे नहीं, उसे अपने आप से खुलने देंगे कुकर को। ये हमारा हो गया है, इसे हमने खोल लिया है, ये देखिए एकदम ये सूखा। अब हम इसे इस तरह से करछुल से अच्छे से फेंट देंगे। इसे हम फेंट के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चावल हमारा अच्छे से गल गया है, इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे और ठंडा करेंगे। ये हमारा हो गया है, एकदम हलवा जैसे बन गया है, इसे हमने अच्छे से फेंट दिया है, देखिए इसमें चावल कहीं भी खड़े नहीं रह गए हैं। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, जिसे ये थोड़ा सूख जाएगा तब हम इसका पापड़ बनाएंगे। हमारा ठंडा हो गया है, हम हाथ में थोड़ा ऑयल लगा के इसको और अच्छे से इस तरह से मसल देंगे, जिससे ये बहुत चिकना हो जाएगा। अब इसमें ज़रा भी लंबा नहीं है, ये एकदम चिकना हो गया है। अब हम थोड़ा और ठंडा कर लेंगे, फिर हम बनाएंगे। अब हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और हम इसमें से थोड़ा सा ये चावल लेके इसको हम बॉल बनाएंगे। और ये हम थोड़ा सा लेके चावल इसको हम बॉल बनाएंगे।
इस तरह से ये देखिए, आप छोटे बड़े कोई भी साइज़ के बाल बना सकते हैं। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। ये देखिए, अब हम इसका पापड़ बनाएंगे। इसके सारे बाल बना लिए। हमने एक पॉलीथीन बिछा दिया है, इस पर इस पॉलीथीन पे हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे और एक हम इस तरह से वाइट पॉलीथीन लेंगे, इसमें भी ऑयल लगाएंगे। अब हम इस तरह से एक बाल रखेंगे, नीचे पॉलीथीन ऊपर पॉलीथीन, और इस तरह से हम हाथ से बनाएंगे। इसे हम हाथ से भी बना सकते हैं, दो तरह से बना सकते हैं। जितना छोटा बड़ा चाहे आप बना सकते हैं, और हम इस तरह से भी बना सकते हैं पॉलीथीन रख के। एक हम इस तरह से प्लेट लेंगे जो पीछे एकदम चिकना हो, और हम इस तरह से रखेंगे, दबा देंगे। ये पापड़ हमारा बन गया। हम ये पॉलीथीन हटा देंगे, ये पापड़ हमारा बन गया। इसी तरह से हम और भी बना सकते हैं, इस तरह से दबा के। देखिए, ये बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी होता है प्लेट से, मशीन की भी ज़रूरत नहीं। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। ये देखिए, ये भी बन गया। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। एक कटोरे चावल में हमारे इतने पापड़ बन के तैयार हो गए हैं। चावल का पापड़ अच्छे से सूख गया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें पापड़ डालेंगे और इसे हम फ्राई करेंगे। देखिए, ये बहुत ही कुरकुरा पापड़ बनता है चावल का। इसे आप जरूर ट्राई करिए। ये हमारा चावल का बिना भाप का पापड़ बन के तैयार हो गया है। ये बहुत ही कुरकुरा बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। इसे बनाना बहुत ही आसान है। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।